उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक कपड़े की दुकान पर शादी के लिए खरीदारी करने गए ग्राहकों और दुकानदार के बीच मामूली बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद बात इतनी आगे बढ़ गई कि दुकान के अंदर ही दुकानदारों और ग्राहकों के बीच युद्ध का महासंग्राम शुरू हो गया और देखते ही देखते चंद मिनटों में कपड़े की दुकान जंग का अखाड़ा बन गई। इस दौरान दुकानदारों और ग्राहकों के बीच मारपीट शुरू हो गई और फिर दुकान के अंदर ही जमकर लोग एक दूसरे पर लात घूंसों की बरसात करने लगे। वह इस मारपीट में एक महिला भी शामिल थी और फिर काफी देर तक मारपीट का यह सिलसिला चलता रहा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि यह मामला मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित झांसी की रानी के पास शाहजी मार्केट में एक कपड़े की दुकान का है, जहां शादी के लिए कपड़े खरीदने आए परिवार और दुकानदार के बीच पहले तो कहा सुनी हुई और फिर मामूली विवाद महासंग्राम में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि परिवार के साथ शादी के कपड़ों की खरीदारी करने आई महिला के साथ दुकानदार की ओर से अभद्रता की गई थी। इसके बाद पहले तो मामूली कहा सुनी हुई और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदारों और ग्राहकों के बीच मारपीट शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते दुकान के अंदर ही जमकर लोग एक दूसरे पर लात घूंसों की बरसात करने लगे। वह दुकानदारों और ग्राहकों के लड़ाई का यह पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। कपड़े की दुकान में महासंग्राम विवाद का हैरान कर देने वाला सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दुकानदार और ग्राहक एक दूसरे पर लात घूंसों की बरसात कर रहे हैं, जिसमें महिला और बच्चों को मारपीट करते भी देखा जा सकता है। फिलहाल दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने मारपीट करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कपड़े की दुकान में महासंग्राम विवाद का ये हैरान कर देने वाला सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब तेजी से वायरल हो रहा है।